इसकी रैंकिंग बहुत बेकार है, ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लेकर मत आना, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू लिविंग द लिटिल एंड आई होप यू गाइस आर ऑल वेल। एंड इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं यहाँ के मोस्ट रेनाउंड कॉलेज विच इज डबलिन बिजनेस स्कूल। एंड मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी वन एंड वन कॉल्स शेड्यूल करी हुई है और मेरे इंस्टाग्राम, ईमेल्स, मैसेजेस सब जगह सब लोगों की यही सवाल होते हैं, DBS कैसा कॉलेज है, इज इट वर्थ गोइंग टू दैट कॉलेज, कॉलेज की रैंकिंग, इतने नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, इस कॉलेज में जाना चाहिए कि नहीं। एंड अगर आप सोच रहे हो मैं ही क्यों इस कॉलेज के बारे में डिटेल आपको बता सकती हूँ, तो गाइज मैंने DBS से मास्टर्स इन डेटा एनालिटिक्स करी है। मैं यहाँ पे 4 साल से एडलेड में रह रही हूँ एंड मैं एजुकेशनल वीडियोस, लाइफस्टाइल वीडियोस आप सबके लिए बना रही हूँ, मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दे सकती हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ आती है कॉलेज और उसकी लोकेशन। तो DBS इज़ अ प्राइवेट कॉलेज, वो कोई यूनिवर्सिटी या टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं है और उसकी जो डिग्री है वो QQI से एफिलेटेड है। QQI क्या होता है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंसेस क्या होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज का क्या कंपैरिजन है। अगर आप कोई और कॉलेज NCI, ग्रिफिथ और या फिर यूनिवर्सिटी जैसे कि UCD, UCC चूज़ करते हो, क्या डिफरेंसेस होते हैं, मैंने इन सब के बारे में डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, उसका लिंक कहीं यहाँ पॉपअप हो रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो इफ यू आर नॉट स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर DBS। कॉलेज की लोकेशन बहुत बेस्ट है, वो मेन सिटी सेंटर में लोकेटेड है। अगर आप कॉलेज से दूर या फिर सिटी एरिया से बाहर अगर आप ना एकोमोडेशन लेते हैं जो कि थोड़ा चीपर होता है, तो आप बस, लुअस और डार्ट से ट्रैवल कर सकते हैं, इजी एक्सेसिबल है। जितने भी सिटी के मेन अट्रैक्शंस है, हेनरी स्ट्रीट, ग्राफ्टन स्ट्रीट, वो वॉकेबल डिस्टेंस पे है, तो लोकेशन तो बहुत सही है कॉलेज की। और कॉलेज के 3 कैंपसेज हैं, तो बेस्ड ऑन योर कोर्स आपकी क्लासेस अलग अलग कैंपस में होती है। अगर मैं रेट करना चाहूँ तो कॉलेज बहुत ही ज़्यादा एवरेज लुकिंग है, कोई बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लेकर मत आना कि बहुत इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होगा, बिल्डिंग बहुत सुंदर होंगी एंड जो हम यू नो मूवीज़ में देखते हैं बहुत अच्छी कैंपस फीलिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक ऑनेस्ट रिव्यू है, जब मैं कॉलेज फर्स्ट डे ऑफ ओरिएंटेशन था तो मुझे कॉलेज में एंटर करके बिल्कुल वैसी फीलिंग आई थी जैसे मेरा IIT का कोचिंग सेंटर था, तो आप पता लगा सकते हो कि कॉलेज कैसा दिखता होगा। बट हालांकि क्लासरूम्स की बात करें, लाइब्रेरी की बात करें, वो काफ़ी स्पेशियस है एंड कॉलेज में आपको, इफ़ यू डू नॉट ओन अ लैपटॉप, कॉलेज में ड्यूरिंग योर स्टडी टाइम वो सब लैपटॉप्स यूज़ कर सकते हैं एंड लाइब्रेरी इज़ ऑल्सो वेरी गुड, कोर्स मॉड्यूल से रिलेटेड आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। तो गाइज इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ ग्रेट काउंसलर टू मूव अब्रॉड, टू स्टडी अब्रॉड आइदर इन आयरलैंड, यूरोप और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कॉलेज चूज नहीं कर पा रहे, कोर्सेज चूज नहीं कर पा रहे एंड स्टिल यू हैव डाउट्स, यू कैन टॉक टू माई काउंसलर, कैन गिव यू बेस्ट गाइडेंस अबाउट योर करियर बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, एलिजिबिलिटी एंड व्हाट्स योर लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस गोल्स आर। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है इन सब चीज़ों में, लाइक फाइनल डिसीजन सिर्फ आपका ही होता है, पर एक प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस और इन सब चीज़ों में जितना टाइम इन्वेस्ट होता है, तो उस टाइम को कट डाउन करने के लिए मैंने काउंसलर को रेफर किया था एंड इट्स ग्रेट टू सीक एडवाइस क्योंकि ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यू कैन टॉक टू माई काउंसलर एंड आई विल बी एबल टू गाइड यू अगर आप मेरे काउंसलर के थ्रू जाते हो। तो नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड क्राउड क्वालिटी। तो अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो आपके आसपास जितने भी फ्लैट क्लासमेट्स होंगे वो होंगे 60-70% इंडियंस होंगे। अगर आप मास्टर डिग्री चूज़ कर रहे हैं और टेक्निकल कोर्स चूज़ कर रहे हैं तो आपके जो क्लासमेट्स होंगे 90-95% इंडियंस होने वाले हैं, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। हम भी बहुत ज़्यादा एम्बिशंस और एक्सपोजर की इमेजिनेशन में यहाँ पर आए थे, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। बट अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करें तो वो भी बहुत एवरेज थी। मैं बताती हूँ उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं क्यों। पहली चीज़, जो भी आपके प्रोफेसर्स होंगे वो इंडियंस होंगे, 2 इंडियंस आर हाईली क्वालिफाइड। बहुत सारे प्रोफेसर्स जो होंगे वो एज अ पार्ट टाइम वर्क कर रहे होंगे, जो कि अदर कॉलेजेस में भी लेक्चर्स लेते होंगे, तो दे आर ऑलवेज इन अ हरी टू टीच यू गाइज। गाइज अगर आप दोनों को हमारी साथ में वीडियो चाहिए बैचलर्स इन आयरलैंड पे तो कॉमेंट करो, और फन वीडियोज भी, और फन वीडियोज भी, वो तो मैं इंडिया जा रही हूँ अभी, बट चाहिए तो भी बनाएंगे। तुम कॉमेंट करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, लड़की बहुत मेहनत करती है, आप लोगों को नहीं पता, बट लाइक नॉट लड़की, सॉरी आदित्य जी बहुत मेहनत करती है, तो आते दीदी बहुत मेहनत करती है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन बहुत ऐसे रात रात भर बैठ के व्लॉग्स एडिट करती है, फिर बोलती है यार ये अच्छा नहीं है, इसको वापस से बनाऊंगी, तो ये वीडियो दूसरी बार बन रही है अगर तुम्हें नहीं पता। तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यूट्यूब वीडियो में, और कॉमेंट करा करो, सब्सक्राइब करा करो, लाइक करा करो, बहुत अच्छी यूट्यूबर है हमने लगा। पर एक बेस्ट चीज़ है, आपको पता है कि आपके कोर्स में क्या चीज़ें हैं और आपको क्या चीज़ें सीखनी है, कुछ नया जानना है, एंड इफ़ यू नो हाउ टू अप्रोच योर प्रोफेसर, दे गो आउट ऑफ देयर वे, वो आपकी हेल्प करेंगे, अपने ऑफ टाइम में भी आपको हेल्प करेंगे, और कुछ कुछ चीज़ें जो कि रिसर्च बेस्ड या फिर कुछ भी इंडस्ट्रियल में कुछ नया चल रहा है तो वो आपको
चीज़ें बताएंगे, पर यू नीड टू अप्रोच टू देम। अब ये कि आपके पास DBS का ऑफर इसलिए जल्दी आ जाता है बिकॉज DBS कॉलेज ऐसा है जो कि किसी को भी ले लेता है रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कोर्स और देयर बैकग्राउंड। अगर उनकी मिनिमम IELTS एलिजिबिलिटी 6 or 6.5 जो भी चल रही है वो मीट करती है तो वो ले लेते हैं। तभी आप सोचते हो कि यार DBS का तो ऑफर आ गया, बाकी कॉलेजेस के ऑफर नहीं आ रहे, वेट करें या ये ले ले। DBS इसीलिए थोड़ा इनफेमस है कि वो किसी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है। अगर इमेजिन आप कोई, मैं अपने कोर्स की बात करूँ, अगर डेटा एनालिटिक्स कोर्स में मेरे आसपास वही लोग होते जो कि सेम कोर्स या फिर बैकग्राउंड से होते, मैं नहीं बोल रही कि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है बट रिलेटेबल एक्सपीरियंस होता, कोई होता बैचलर्स इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स या फिर किसी ने थोड़ा डेटा एनालिटिक्स में काम करा है या फिर डेटा विजुलाइजेशन में काम करें या कुछ भी, ऑलरेडी बहुत नॉलेज होती। पर कोई आ रहे सिविल से, कोई आ रहे मैकेनिकल से, उनको कुछ नहीं पता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उन्हें को एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, दूसरा ग्रुप प्रोजेक्ट्स इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स में जब आप लोग इन्वॉल्व होते हो कुछ हेल्प नहीं हो पाती, तीसरा क्या होता है कि नॉलेज शेयरिंग, अगर आपके आसपास सेम ही क्वालिटी के लोग हो तो आप थोड़ा खुद को अपस्किल कर पाते हो, पर अगर सब बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, कुछ नॉलेज ना हो, तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता टू ग्रो। अब मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं खुश हूँ कि नहीं, वो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। और हर एक कैटेगरी जो भी मैंने बहुत सारी कॉलेजेस के बारे में डिस्कशन किया है, तो अगर किसी को कोई प्रायर नॉलेज नहीं है तो एक फास्ट पेस क्रैश कोर्सेज कराते हैं दूसरे कॉलेजेस, NCERT हो गया, DCERT हो गया, ताकि किसी को अगर कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है तो वो थोड़ा खुद को अपस्किल करे और अपनी मास्टर डिग्री में भी काम करे। वो ऑफ कॉलेज आवर्स होते हैं कि मतलब आपकी कॉलेज की क्लासेस तो चल ही रही है बट आप वो कोर्सेज भी कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम कॉलेज क्लासेस, ताकि खुद को अपनी मास्टर डिग्री में आप लेवल अप कर लो। DBS में ऐसा कुछ नहीं, कोई क्रैश कोर्स नहीं होता, इट इज मोर ऑफ लेस लाइक अ सेल्फ एजुकेटिंग सिस्टम, खुद ही पढ़ाई करने, खुद ही अपस्किल करना है, डिस्कस कर रही हूँ उसके बारे में बताऊंगी। तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल दी एंड। नेक्स्ट आता है कॉलेज की रैंकिंग। अब आपको डब्लिन के बारे में इतनी कोई नॉलेज नहीं है, अब ऑब्वियसली आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटीज चूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये आपका एक प्राइम फैक्टर आता है कि ये कॉलेज आप देख रहे हो लिस्ट में कहीं दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो एक डाउट आता है कि कॉलेज की रैंकिंग भी अच्छी नहीं है। उसके बाद अगर आप फेसबुक ग्रुप्स पे या मेरे जैसे लोग जो कि इस कॉलेज के बारे में रिव्यूज डाल रहे हैं और फिर भी बोल रहे हैं कि कर सकते हो, तो थोड़ा सबर करो, मैं सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ आपको, तो ध्यान से सुनो इस वीडियो के बारे में अगर DBS आपका गोल है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि DBS से ग्रेजुएट हुए हैं और उनकी लाइफ सिचुएशंस ऐसी थी, उनको इंडिया जाना पड़ा या फिर वो जॉब नहीं ढूंढ पाए, उन्होंने जॉब ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी। तो ये जो नेगेटिव वाले लोग हैं ना, इनकी कैटेगरी थोड़ी अलग रखते हैं, डिसीजन आप पे डालते हैं, लेकिन फैक्टर्स जो है वो मैं आपको ये बताती हूँ। जॉब्स आर प्योरली बेस्ड ऑन योर स्किल्स, ठीक है? तो अगर आप कोई मास्टर डिग्री चूज कर रहे हैं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है। अगर आपको पास्ट एक्सपीरियंस भी है और आप सेम फील्ड में मास्टर डिग्री कर रहे हो तो बस यहाँ पर आओ, अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करो एंड देन यू कैन इजीली फाइंड आउट जॉब इन द सेम फील्ड। बट मास्टर डिग्री चूज करते हो ये जरूर चेक कर लेना कि जो आपके स्किल्स एक्वायर हो रहे हैं वो सिमिलर है कि नहीं, और थोड़ा अपस्किल कर पा रहे हो, खुद को कुछ नया सीख पा रहे हो कि नहीं, तो वहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो, इसलिए कोर्स मॉड्यूल को अच्छे से स्कैन करना। सेकेंडली, अगर आप फ्रेशर हो तो ये बहुत ही हाईली रिकमेंडेबल कॉलेज नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि एज ए फ्रेशर आपको पास्ट एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, ना ही नॉलेज होगी, आपको बेसिक चीज़ें भी सीखनी होंगी, एंड देन मास्टर डिग्री 1 साल की होती है, बहुत ही फास्ट पेस्ड कोर्स होता है, तो आप बेसिक्स पढ़ोगे या फिर मास्टर डिग्री करोगे तो बहुत ज़्यादा केओस हो जाता है। आप अपना कोर्स चेकआउट करो एंड स्किल्स चेक करो कि अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको वो स्किल्स मिल रहे हैं जो कि आप इनिशियल एंट्री लेवल की जॉब्स लिंक्डइन पे चेक कर रहे हो, तो यू कैन ईजिली चूज दिस कोर्स विद इन दिस कॉलेज। अगर नहीं आपको लग रहा है कि बहुत ही एवरेज अंडरस्टैंडिंग होने वाली है और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आपने कोर्स मॉड्यूल्स भी देख लिया, लिंक्डइन पे जॉब्स भी देख लिया, आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा, यू गाइस कैन टॉक टू मी, यू कैन शेड्यूल अ 1-on-1 कॉल, मैं आपको थोड़ा रिव्यू करने में या फिर पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट अंडरस्टैंडिंग और एलिजिबिलिटी के बेस पे कुछ आपको हेल्प आउट कर सकती हूँ। स्टिल इफ यू आप MBA कोर्स चूज करते हो तो MBA कोर्स के लिए आपको पास्ट एक्सपीरियंस चाहिए होता है, विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप कोई भी MBA कोर्स चूज मत करो, देन आपको जॉब ढूंढने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। MS कोर्स चूज कर सकते हो एज अ फ्रेशर बट MBA रिकमेंडेबल नहीं होता। नेक्स्ट आता है जॉब करनी चाहिए कि नहीं, आप फ्रेशर हो, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो पार्ट टाइम बहुत ही हाईली रिकमेंडेबल नहीं है। आप कर सकते हो सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में, पर फर्स्ट सेमेस्टर में तो बिल्कुल भी नई कंट्री होती है, जस्ट हो रही होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर आप एक्सपीरियंसड हो तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। आप पार्ट टाइम जॉब करने के बाद कितने पैसे कमाने वाले हो, मंथली एक्सपेंस निकलने वाला है कि नहीं, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग की वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जॉब्स मिलती है कि नहीं DBS में कोर्स करने के बाद, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं कि DBS की रैंकिंग बहुत बेकार है, रिक्रूटर्स लेते नहीं है क्योंकि DBS से जाते हैं, और बहुत सारी कंपनीज है जो कि DBS के लोगों को जो ग्रेजुएट होते हैं वो चूज़ नहीं करती।
गाइज इट्स अ मिथ, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया, मैं अभी वहीं थी कुछ साल पहले। पर आप लोगों बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, पर यहाँ पे जितनी भी जॉब्स हैं ना वो स्किल के बेस पे होती है। मैं आपको बताती हूँ, मैंने बहुत सारी जॉब्स अप्लाई करी, इंटरव्यू कॉल मुझसे भी आई है, माइक्रोसॉफ्ट से भी आई है, पर जब मैं जॉब्स अप्लाई करी थी मैंने ना ही तो खुद को अपस्किल कर रखा था बहुत ज़्यादा, और मैं कहीं ना कहीं डीप इनसाइड आई न्यू इट कि मेरा इंटरव्यू नहीं क्लियर होने वाला। पर कॉलेज एक फैक्टर होता तो मुझे इंटरव्यू कॉल पहले टाइम में नहीं आती, मुझे रिजेक्शन आता डायरेक्ट ईमेल तो आती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके रिज्यूमे में वो स्किल्स है, वो टूल्स और टेक्नोलॉजी और स्पेक्स जो भी कंपनीज लुकआउट कर रही है वो सब है, तो डेफिनेटली आपको कॉल्स आएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कॉलेज की वजह से आपको कॉल्स नहीं आ रही, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। और जो भी लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं मिलती, ख्याल से गाइस 2 साल का जो वर्क परमिट मिलता है, अगर कोई नए सिरे से भी स्टार्ट करता है उसको कोई पास्ट एक्सपीरियंस भी नहीं है, से 1 साल में आप स्किल्स एक्वायर कर सकते हो, आप खुद को अपस्किल कर सकते हो, पढ़ सकते हो, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। खुद को डीमोटिवेट मत करो, बहुत सारी चीज़ें जो आसपास चल रही है, अब जितने भी लोगों के नेगेटिव रिव्यूज़ है वो क्यों है, क्या है, उनके इम्पैक्ट क्या थे, उनकी लाइफ कैसी थी, वो तो हमें नहीं पता, पर खुद की लाइफ कैसे सुधार सकते हो, लिंक्डइन पे जॉब रिसर्च कर सकते हो, सब कुछ लिखा है जॉब डिस्क्रिप्शन पे, सब कुछ लिखा है कोर्स मॉड्यूल पे जो कि आप कोर्स चूज़ कर रहे हो, तो दिक्कत क्या है। दैट की खुद को सेल्फ एनालाइज करो, खुद का इंटरेस्ट देखो, देन ओनली अप्लाई फॉर दीज जॉब्स। तो जॉब्स है मार्केट में, थोड़ी मार्केट अभी स्लो है, जस्ट कीप अप्लाइंग, लिंक्डइन पे जॉब्स चेक करो, जो भी कोर्स अप्लाई करो। और गाइस आज मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, तो रिशाली ने रोप पे जाके चेक करो। तो मैं अपना फ्री प्रमोशन खुद ही कर लेती हूँ, और अभी हम एक रील भी बनाएंगे। आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि डिसीजन, मोटिवेशन और मेहनत जो है वो सब आपकी होने वाली है, तो मेहनत करते जाओ, यू आर नॉट गोना रिग्रेट इट, आप कहीं फेल नहीं होंगे। अगर आप तैयार हो ये सब मेहनत और ये सब डिसीजन लेने के लिए, देन यू कैन स्टिल चूज दिस कॉलेज। एंड आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी अबाउट दिस कॉलेज, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।